काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है यार, मतलब ऐसा शेर तो मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू IM1 के के व्लॉग। मैं आ चुका हूँ और एक प्यारी सी जगह जिसका नाम है टाटा जूलॉजिकल पार्क। तो चलते हैं इसके अंदर और लेते हैं टिकट और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा, क्या क्या एनिमल्स है और क्या क्या नया कुछ है इसमें। तो चलिए चलते हैं। ये सारी जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये सारा लगा हुआ है अंदर के लिए। आपको यहाँ अंदर से इस गाड़ी पे घुमा दिया जाएगा, अगर मतलब फैमिली में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इस गाड़ी से आप घूम सकते हो। देख रहे हो ना, लाइन से लगी हुई है एंटर गेट और ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे। अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं अंदर से, आगे है उस जगह पे। इसका कुछ काम है क्या? हाँ तो ये आप देख सकते हो कुछ नियमों का पालन के लिए लिखा हुआ है और पीछे आप देख सकते हो XLRI का पूरा कैंपस है। और हमने टिकट ले लिया है, ये रहा हमारा टिकट, ये रहा टिकट। हाँ हाँ बिल्कुल, 10 रुपये। हाँ हाँ थैंक यू, रखे रहो रख। तो ये टाटा जूलॉजिकल पार्क का इंटर गेट है, वहाँ से चलते हैं आगे। इस पार्क की जो ओपनिंग हुई थी वो टाटा कंपनी की तरफ से हुई थी 1994 में, 3 मार्च के दिन ये ओपनिंग हुआ था पूरा। मतलब तो जुबली पार्क और जितने भी मतलब कि पूरा कवर किया हुआ है टाटा कंपनी की तरफ से, वो सारा 3 मार्च के दिन 1994 में हुआ था। और जैसे आप इंटर करोगे ना, आपको प्यारा सा यहाँ पे फाउंटेन देखने को मिलेगा जो बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। देर से बारिश हो रही थी, मैं सोच रहा था कब बारिश छूटेगा, कब मैं शूट करने निकलूँगा। फाइनली 12:30 तक बारिश छूट गया तो हम लोग फिर शूट के लिए निकल गए। वाह, मतलब छुट्टी के दिनों में आओगे ना तो आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे जमशेदपुर का जूलॉजिकल पार्क। हाँ बहुत ज़्यादा क्राउड भी मिलेगा, बट आज खाली इस वजह से है क्योंकि आज सुबह से ही बारिश है, जन्माष्टमी है, डेट्स वाई। हाँ जब मतलब ज़्यादा क्राउड रहता है ना कहीं आप नर्वस फील करते हो कि यार इतने सारे लोग हैं, क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, तो उतना सोचना नहीं है। हाँ कहीं कहीं मुझे नर्वसनेस फील होती है बट फिलहाल तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ क्राउड ही नहीं है। वैसे धीरे धीरे वो चीज़ हट रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो गाइस आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो ये हिमालयन ब्राउन बियर है और ये एसेस्टिक ब्लैक बियर है और ये स्लॉथ बियर है। ये बियर दीमक और चीटी खाती है। और ये सन बियर जो है, ये इसका सन बियर नाम इसीलिए है क्योंकि इसके जो ऊपर में आप देख रहे हो सन सा कुछ चेस्ट पे बना हुआ है, दैट्स वाई इसे सन बियर कहते हैं। और हमारा भालू आ गया, ये रहा हमारा भालू, पता नहीं कुछ कर रहा है ये, लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है। ये रहा प्यारा सा भालू। गाइस अगर आपको कुछ खाने पीने का मन हो तो यहाँ पे आप खा पी सकते हो टर्टल जो बना हुआ है टर्टल के शेप में। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टो बोल सकते हो आप इसे, रेस्टो है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। ये पेड़ देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये पेड़। यहाँ ऐसे ऐसे एक डियर होगा, डियर की झुंड है शायद आगे, वही जाके पानी वगैरह अगर प्यास लगे आपको उस जगह पे शायद वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जगह है। पहले हम यहाँ कवर कर लेते हैं।
सांबर सांबर हाँ सांबर है हाँ, ये भी मतलब कि हिरण का प्रजाति का एक तरह का देख सकते हो आप, वो खा रहे वहाँ पे, ये लोगों का लंच टाइम चल रहा है अभी। तो वो जो आप रेस्टो बोल रहा था मैं, वो कैफेटेरिया एक्चुअली जो हमारे लेफ्ट साइड में है। नहीं नहीं, यहाँ खिलाना मना है, अगर आप खिलाओगे तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, तो ऐसा तो गलती मत ही करना। जू आयो घूमो फिरो, बट खिलाने की गलती मत करना। लेट्स गो। तो गाइज ये है ब्लैक बग, काला हिरन आप देख सकते हो, इनके साथ एक मोर भी है, मोर नहीं कहूँगा, मोर है ये। इसीलिए पता है मोर की खासियत क्या है, इनके सर पे जो सजा मुकुट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, दैट्स वाई मोर को ज़्यादा एनहांस करता है ये। चलते आगे अब, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बस मोर और मोनी ही रहती है, बहुत सारे हैं, 2-3-4 देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट डियर, सफ़ेद हिरन बोल सकते हो इसे आप, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार। सबका अभी लंच टाइम हो रखा है, सब खा रहे हैं अभी, सही है। मुझे ये ना जेब्रा है, उसे भी कवर कर लेता। पता है आप लोगों, जेब्रा जो है दरअसल गधा और घोड़ा का रिश्तेदार होता है, बट उनकी तरफ पालतू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा आक्रामक वाले जानवर होते हैं, दैट्स व्हाई ये पाले नहीं जा सकते। जेब्रा यहीं पे है, वो रहा छुपा हुआ, सब लंच कर रहे हैं अभी के खाने का टाइम। अब कभी भी आओगे ना, तो यहाँ पे ना मतलब कि कुछ खिलाने का मत सोचना, प्लीज़ डू नॉट फीड और टीज एनिमल्स, आप इनको छेड़ो मत, और खिलाने की तो कोशिश भी मत करना, नहीं तो फाइन अच्छा खासा लगेगा आप लोग का। और ये रहा छोटा सा, खेल रहा है, देख रहे हो इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रही है, इसका लंच हो गया शायद, इसलिए कूदा कूदी कर रही है। चलो आगे चलते हैं, जगह तो नहीं है, मिट्टी है पूरी, रॉन्ग साइड से जा रहे, वहाँ पानी जमा हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ गया ये हिप्पो बडमस, उठाया सर देख रहे हो, फिर अंदर चला गया। आप लोगों को पता है हिप्पो का एक खास बात क्या है, कि वो आप लोगों को लगता होगा कि ना वहाँ पे मतलब कि वो मतलब पानी के अंदर रहता है, तो वो मतलब तैरना जानता होगा, दैट्स व्हाई वो पानी पे है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, हिपोज़ को बिल्कुल तैरना नहीं आता है, वो बस अपना पैर ज़मीन को लगा के बस जंप करते हैं, दैट्स व्हाई वो पानी पे आगे चलते हैं, तो उनको स्विमिंग वगैरह नहीं आता है। बहुत कोई सोचते हो कि स्विमिंग वगैरह कर लेता है, बिल्कुल भी नहीं, स्विमिंग नहीं। बर्ड्स देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन ग्रे पैरोट, कहाँ गई है अफ्रीकन ग्रे पैरोट, वेयर आर यू, कहाँ मुझे दिख भी नहीं रहा है, येल जी रहा प्यारा सा पैरोट, सिल्वर चांदी फेजेंट, ये रहा वाइट वाला देख रहे हो, ये है वो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रिंग नेक्ड, ये उसी की प्रजाति है बट ये अलग है, ये आपको रेड में देखने को मिलता है। वॉक कर रहा है, खाना वगैरह खा के। पैरट वगैरह को हम लोग देख लिए हैं, तो पैरट वगैरह को हम लोगों ने देख लिया है, अभी आगे चलते हैं। तो भाई ये है बोनेट मंकी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये बोनेट मंकी है, बनाना और नट्स खा रहे हैं ये, है ये गंदे गंदे सारे करूँगा ना तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। पर इसकी आँखों में क्या हुआ है यार, देख रहे हो इसकी आँखों में कुछ हुआ है, पता नहीं,
शायद से किस तरह का निशान है, कुछ काटा वगैरह हो। ये रही, और ये जो देख रहे हो उसके बैक साइड पे, ये बहुत ज़्यादा ही नोकीला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला चीज़ है। अगर ये मतलब लग गया ना तो फिर तो आप उठने से रहे। काफ़ी प्यारा जानवर है बट इसके जो कांटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा ये बाहर नहीं है, डर ही लग रहा था। चलो आगे, ये उल्लू है ये तो गाइस आप देख सकते हो, ये बंगाल का उल्लू है। इन्हें तो अभी शायद से कुछ नज़र आता होगा, रात पे ही नज़र आएंगे, अभी के लिए फ़िलहाल तो ये अंधा है। नहीं 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 अंधा नहीं बोला मैंने, देख रहे हो गुस्सा से देख रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, आप अंधे नहीं हो। तो ये रहा मंकी। हे ब्रो, मैं आपको बता दूं कि बंदर एक ऐसा जानवर है जिसकी जो डीएनए है 98% इंसानों से मिलती है, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी इंसानों की तरह करते हैं। मतलब कि पहले जहाँ से आते थे इस रास्ते से, वो रास्ता पूरा कवर कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि कुछ हो सकता है, कुछ सरप्राइज़ हो हम लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या दिखाने वाले ये ज़ू के लिए नया। आगे आपको देखने को मिलेगा मेंडल, और बता दूँ इसको, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा यूनिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके जो मुँह पर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा रंगीन, इसका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा रंगीन होता है। यहाँ से ये फेड हो गया ये बैनर, दैट्स वाई यहाँ पे आपको उतना क्लियर पता नहीं चल रहा। आगे अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। उसका जो फेस है पूरा रंगीन रहता है, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा यूनिक उसको बनाता है दिस वे। तो यहाँ से जाना है हमें, देख रहे हो हाँ उस जगह पर क्लियर दिख रहा है, देखो क्लियर उसका फेस दिख रहा है ऐसे। यहाँ ये फ्रंट की साइड पर नहीं है ना, इस वजह से अच्छे से क्लियर से दिखा नहीं पा रहा हूँ। फ्रंट साइड आज कोई बैठा ही नहीं है, सब अपने अपने जगह पे है। चलते हैं अब आगे और क्या क्या है उसे भी कवर करते हैं। जब आप आओगे वो रहा, मैं आपको आगे से दिखा रहा हूँ वो रहा, ये शांति से बैठा हुआ है यहाँ पे और एक चल रहा है, देख रहे हो 1 2 3 करके आगे बढ़ रहा है। चलते आगे, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड। कहाँ पे है ये लेपर्ड, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, बट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आशीष नज़र आ रहा है क्या,
ये तो हमें लेपर्ड देखने को नहीं मिला है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, लेपर्ड देखने को तो मिला नहीं, रोजी प्लिकेन आपको आगे देखने को मिलेगा। वो रहा, इसका चोंच बड़ा लंबा है इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके चोंच की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस ये रहा बिग कैट्स ऑफ इंडिया, ये है आपका लायन, ये रहा आपका पैंथर और ये रहा लेपर्ड। अब इन सब से आप एक कमेंट करके बताना, इन सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा मतलब शेर है या फिर टाइगर है या फिर आपका लेपर्ड है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि इन सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। अब हम जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए, हमारा बंगाल टाइगर वो भी चल के आ रहा है, देख रहे हो। अब हमें जिसका भी सभी से इंतज़ार था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीकन लायन, लायन हो रहा यार कसम से। ये पता है मुझे लगता है ये न्यू आया है, लेकिन था नहीं आशीष, ये नहीं था आशीष, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है यार, मतलब ऐसा शेर तो मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार कसम से, इस टाइप में देख रहा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ही। पहले घड़ियाल भी था जो कि अब नहीं है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो नहीं है। तो और भी कुछ कुछ मतलब यहाँ पे लाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, तो न्यू कुछ लाना चाहिए एनिमल्स को। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।